खास बात में आपका स्वागत है। आइए ताजा तरीन खबरों की तरफ एक नजर डालते हैं। टीएमसी प्रत्याशी मुनमुन सेन ने आसनसोल के बूदा ग्राउंड में एक भारी जनसभा को संबोधित किया, अपने चुनाव प्रसार को दिखाया। टीएमसी प्रत्याशी मुनमुन सेन ने शनिवार शाम को आसनसोल के बूदा मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ जिला महिला टीएमसी नेत्री अल्पना बनर्जी भी मौजूद थी। इनके अलावा मंत्री बलय घटक, विश्वदासन उर्फ दासू, एमआईसी अभिजीत घटक, बोरो चेयरमैन अनिर्वाद दास सहित बड़ी तादाद में टीएमसी नेता उपस्थित थे। আমি জানি তোমরা সুন্দর করে কাজ করবে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছো, দিদি বলছে যে তোমরা খুব ভালো কাজ করো, আর আমাদের মমতা দিয়েও চায় যে তোমরা ভালো করে কাজ করো, তোমাদের অনেক স্কিলস আছে। इस मौके पर मुनमुन सेन की मां और बांग्ला फिल्मों की महान अभिनेत्री सुचित्रा सेन के जन्मदिन के मौके पर केक भी काटा गया। खास बात आसनसोल। वहीं दूसरी तरफ मुनमुन सेन ने रविवार को लोहदा में जाके चुनावी सभा को संबोधित किया। आसनसोल से लोकसभा की टीएमसी प्रत्याशी मुनमुन सेन ने रविवार को लाउदोहा, नूतन डंगाल, हाटतला और गौर बाजार में दो चुनावी जनसभाएं की। दोनों ही स्थानों पर मुनमुन सेन ने जनता से टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। তাহলে বুঝতে পারবে যে আমার সংসারটা তোমাদের নেই, আমাদের একই সংসার। যে পাঠিয়েছেন আমাকে সে বোধহয় ভেবে পাঠিয়েছেন যে হ্যাঁ মুনমুন যাবে বারবার, মুনমুন ওখানে কাজ করবে, কেন বাঁকুড়াতে কাজ করেছে। কিন্তু দিদি যতক্ষণ না আসছে আমরা একটু আমাদের মনটা তোলপার করছে না ওনাকে দেখবার জন্যে। আমারও উনি আসবেন, সুন্দর সুন্দর কথা বলবেন, আর যখন তোমরা ভোট দিয়ে আমাদের ডাকবেন তখন দেখবেন উনি কত কাজ করতে পারেন। উধার গৌর বাজার মে হুই জনসভা মে মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি নে ভি মুনমুন সেন কে পক্ষ মে ভোট ডালনে কি অপিল কি। আজ বিজেপি প্রত্যাশী বাবুল সুপ্রিয় अपने सिंपांचल वासियों को लुभाने के लिए एक रोड शो का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में कर्मी मौजूद थे। रविवार को आसनसोल के निवर्तमान सांसद बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में रोड शो किया। इनके साथ भारी तादाद में भाजपा कांग्रेस समर्थक उपस्थित थे। सभी बाबुल के समर्थन में नारे लगा रहे थे। संवाददाताओं ने जब बाबुल से टीएमसी के खिलाफ उनके गाए गाने के बारे में पूछा तो बाबुल सुप्रियो ने बताया कि इन्होंने ये गाना गाकर कोई गलती नहीं की है। টিভি স্লট নিলেন, রেডিওতে স্লট কিনলেন, আপনি ফেসবুক টুইটারে পয়সা দিয়ে আপনি কভার করলেন, ছেড়ে যদি না করেন তাহলে ইট ডাজ নট রিকোয়ার এনি প্রি সার্টিফিকেশন, ইভেন ইফ দ্য সেম ইজ পোস্টেড আপলোডেড বাই পলিটিক্যাল পার্টিস ক্যান্ডিডেটস। তো বেসিক্যালি লিগাল টিমটা বলেছে যে এই শোকজ নোটিশটা আমাকে পাঠাতেই পারে না, এটা পাঠানো মানে ওদের নিজস্ব যে পুরনো অর্ডার সেটাকে ফ্লন্ট করা। তো লিগালি যা করার এটার জন্য করা হচ্ছে, আমাদের কলকাতা অফিসে করছে, দিল্লিতেও এটা করা হচ্ছে, আর আমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই গানটি আমি বাজাতে পারি, বাজাতে পারলে যেতে পারে, আমি গান সেরকমই বাজছে, যেরকম আমার কাছে লিগাল নির্দেশ আসবে এক নম্বর সেটা করবো, দুই ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে আমার কাছে গানটি ব্যান করার জন্য কোনো লেটার আসেনি। আপনাদের পরিষ্কার বলে দিই যে একটি লেটার এসছে, তাতে মানে বেসিক্যালি প্রতিটি লাইনই বদলাতে বলা হয়েছে, এখানে কোনো ব্যানের কথা লেখা নেই, প্রতিটি লাইন কী করা হবে সেটা নিয়ে আমরা, এই দেখুন এটা এসছে, এখানে কোথাও ব্যান করার কথা কোথাও লেখা নেই এবং ব্যান করার কোনো চিঠিও আমি পাইনি। তো আমার বিজেপি পার্টি যে লিগ্যাল সেল এটা দেখছে, তারাই এর বাকি ফর্মালিটিটা দেখবে। कांग्रेस भी इस चुनावी दंगल में कमर कस के उतर चुकी है, इसकी बागी रविवार को देखी गई।
आसनसोल के गुजरात भवन में रविवार को कांग्रेस की एक जरूरी चुनावी सभा हुई। इस मौके पर आसनसोल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वरूप मंडल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। विश्वरूप ने कांग्रेस कर्मियों से आने वाले चुनाव में कमर कसकर चुनावी जंग में उतरने की हिदायत दी। खास बात ने जब विश्वरूप मंडल से बात की तो इन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताया। वो बोल सकता है जो मोदी का वोट्स है, दो दिन के बाद ये भी बोलेगा ये भारत वर्ष नहीं ये मध्य वर्ष है। तो मैं जनता को अनुरोध करता हूँ इस बार इस चुनाव के टाइम जो भी वोट देंगे, क्योंकि 5 साल में एक ही बार आपको वोट देने का चांस मिलता है, इस चांस को आप लोग सोच समझ के दिए। एक समय था जब कांग्रेस ने पूरे देश में राज किया था, आज कांग्रेस की हालत इतनी अच्छी नहीं है, पिछले चुनाव में 40 सीटें मिली थी। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की हालत सुधरेगी या उससे भी सुधरता? मैं एक बात बताता हूँ, कांग्रेस इस बार 216 सीट मिलेगा और बीजेपी को 140 सीट मिलेगा। तो अभी बोलता हूँ मोदी जी, अभी छोटे मोदी का छोड़ने का टाइम हो गया, मोदी जी अभी आइए, हम नमस्कार करते हैं कि प्रधानमंत्री है आप देश का, आपको सम्मान करना हमारा जैसे काम है, खोजी होते आपको रक्षा करना भी हमारा काम है। देश को रक्षा कीजिए और देश को रक्षा करना एक ही कर सकते हैं, युवा कर सकते हैं, युवा शक्ति ऐसी शक्ति है, जो हमारा युवा राहुल गांधी जी है उसको प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कभी झूठा वादा नहीं किया ना करेगा, जो वादा किया था वो निभाया है, वो भी 10 दिन के अंदर। 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था, 2-2 लाख पर जो किसान का कर्ज था माफ करने का बोला था वो माफ करके दिखा दिया। तो मैं जनता से कहता हूँ जो ऐसे झूठा आसन देता है उसको वोट मत दीजिए, जो अपना साथ है और साथ निभाएगा उसको वोट दे के अपना कांग्रेस पार्टी को जय जय करके अपने राहुल गांधी जी को सिंहासन में बैठाइए। देखिए 5 साल में भारतवर्ष का जो नक्शा है उसको सही करके सजा देगा, उसको ना कहीं किसी को छीनने देगा राहुल जी, ना ही किसी को अंदर आने देगा, ये वादा करता हूँ। और मैं भी और मेरा जो आसनसोल का कांग्रेस फोर्स है, सिपाही है, जो वो राहुल जी के साथ है। रविवार को बानपुर में वाणिज्य भवन का उद्घाटन हुआ। बर्नपुर के स्कॉप गेट के निकट रविवार को पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए भवन का उद्घाटन किया गया। सेल ISP के CEO CS सिन्हा ने फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। हमारा पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शिल्पांचल में एक नई जर्नी शुरू करेगा, इसमें हमारे मिस्टर CS सिन्हा का एक बहुत बड़ा अवदान है, मैं समझूंगा, जिन्होंने इस जगह पे हम लोगों को अपने एक ऑफिस बनाने का जो प्रपोजल उन्होंने दिया है और उन्होंने जो इसको एक्सेप्ट किया है, इसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। हमने बहुत से ऑफिसर्स देखे हैं लेकिन सिन्हा साहब का जो विज़न हमने देखा है शुरू से एक ही चीज़ उनका है कि भाई हमको कुछ करना है, ये कर गुजरने वाली जो सोच है बहुत कम लोगों में हमने देखी है, लेकिन शुरू से जब से मैं इनके संपर्क में आया हूँ तब से मैंने देखा है कि हमेशा इनका एक पॉजिटिव थिंकिंग रहा है कि अगर सामने वाले के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मैं उस लायक हूँ, ये जो मुझे भगवान ने मुझे वो शक्ति दी है उस शक्ति से अगर किसी का फायदा पहुँचे तो मुझे करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ये क्वालिटी हमने सिन्हा साहब के अंदर देखी है। और हमारा पश्चिम बर्दवान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अभी हमारे स्पात मंत्री भी यहाँ। इस मौके पर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष VK ढल, शिल्पांचल के मशहूर व्यवसायी पवन गुटगुटिया, RS चौधरी, जगदीश बागड़ी सहित चैम्बर के तमाम अधिकारी और सदस्य मौजूद थे। ये यादगार बन के रहेगा और हमको उम्मीद है कि समाज जहाँ भी जाएंगे हर जगह पे इसी तरह ही जनरल चैम्बर के साथ ये कॉर्पोरेट। जगदीश बागड़ी ने बताया कि नवगठित पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए भवन के निर्माण के लिए इसको की तरफ से ये जमीन मुहैया कराई गई है। मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ पर इंडस्ट्री होती है वहाँ पर मशीनरी इंडस्ट्री होती है। मैं बोकारो में था, बोकारो में बहुत सारी इंडस्ट्री बियाडा में है, तो बोकारो स्टील प्लांट को फील करती है और बोकारो स्टील प्लांट
ये ऑर्डर्स को भेजी हैं और इमीडिएटली हमारा अर्जेंट जॉब है उसको करती है। तो ये एक थ्री पॉइंट रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उसके लिए विश्वास की जरूरत होती है, उसके लिए रिसोर्स की जरूरत होती है। आसनसोल मेरे ख्याल से इस देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी है, क्योंकि जब वीएनआर रेलवे आया था उस समय लोगों ने रेलवे की पटरी तक नहीं देखी, और यहाँ से वीएनआर रेलवे बंगाल नागपुर रेलवे स्टार्ट हुआ, जो ज्यादा हिस्टोरिकल मोमेंट्स हो जाए। मैं बनपुर में जहाँ भी जाता हूँ मैं एक लेगेसी फील करता हूँ, मैं पिछले 20 साल से जहाँ भी जाता हूँ। इसको के सीईओ सीएस सिन्हा ने कहा कि चूंकि आसनसोल कोलकाता के बाद बंगाल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए इसको चाहता है कि आसनसोल का चहुंमुखी विकास हो ताकि यहां के नौजवानों को रोजगार मिल सके। खास बात बनपुर। शनिवार शाम को आए तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शनिवार शाम को आए तूफान में जमुड़िया रानीगंज सहित कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए तो कहीं इलेक्ट्रिक के पोल गिर गए, जिससे कई स्थानों की बिजली गुल रही। प्रशासनिक सूत्र के मुताबिक पाथरचूड़, सिंहपुर, बागडीहा सहित कई इलाकों में घरों के छत भी उड़ गए। बहादुरपुर पंचायत मैदान में इलेक्ट्रिक पोल गिर जाने से कई लोग बाल बाल बच गए। खास बात जमुड़िया रानीगंज। सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया गया। बस इतना ही, कल हो गया, आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।